राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा की ओर से नागपुर शहर और नागपुर जिला में ओबीसी मुक्ति मोर्चा का विस्तार किया गया। विस्तार के माध्यम से ग्रामीण और नागपुर ग्रामीण का संगठन को मजबूत करने का बढ़ावा दिया गया। इस उद्देश्य को लेकर संगठन विस्तार सभा आयोजित की गई थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ओबीसी मौजूद थे। पिछले कई वर्षों से ओबीसी अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी की आरक्षण की मांग को अभी भी न्याय नहीं मिला है। इसके लिए कई मोर्चे और आंदोलन किए गए थे। केंद्र और राज्य सरकार ने ओबीसी को न्याय मिले, आरक्षण मिले जैसी मांगों को आज भी पूरी तरह से मंजूर नहीं किया है, जिसके चलते इस मांग को तेज करने के लिए शहर और नागपुर ग्रामीण के ओबीसी को ताकत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा की ओर से संगठन विस्तार सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में ओबीसी मौजूद थे। मौजूद लोगों ने एनबीसीएन समक्ष बातचीत की। दर्शकों नमस्कार। पिछले कई वर्षों से ओबीसी की मांग को लेकर कई आंदोलन जारी है, ऐसे में संगठन को मजबूत करने का कामकाज भी किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं संगठन विस्तार सभा की, जो आज यहाँ पे कार्यकारिणी जो होने जा रही है उसके लिए आज नितिन चौधरी खासतौर पे यहाँ के मुख्य संयोजक है, उनसे जानना चाहेंगे। चौधरी जी, ये बताएं कि जिस तरह से ओबीसी का संगठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको लगा कि आज संगठन का विस्तार सभा हो? एक तो समय की नज़ाकत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि देश में सबसे बड़ा समुदाय संगठन है ओबीसी, जो मेहनत कश रहा है, खेत खलियान में काम करने वाला ये बहुत बड़ा समुदाय है, और जिनके सवाल अभी बिल्कुल इस पे आ रहे हैं, बिल्कुल लोगों के जुबान पे आ रहे हैं, और इतने बढ़ गए इन दिनों में बेरोजगारी है या जो भी विभिन्न समाज कल्याण योजना है उसके तरफ अगर देखेंगे तो उसमें जो बजट का प्रावधान है। दूसरी बात है कि ओबीसी समुदाय के जो भी प्रावधान संविधान में है उसको लागू करने की चुनौतियां हैं, साथ साथ में ओबीसी आरक्षण के सामने भी ऐसी चुनौतियां मिल रही है कि क्योंकि बहुत सारे समुदाय कह रहे हैं कि हमको ओबीसी में शामिल करो, उसके कारण ये तमाम चुनौतियों को देखते हुए ओबीसी समुदाय में जागरूकता बढ़ रही है, संगठन की ताकत भी बढ़ रही है, जहाँ जहाँ देखो तो ओबीसी समाज में एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन हम गत 30 साल से राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के नाम से हम काम कर रहे हैं, अनेकों विषयों पे हमने काम किया, बहुत सारे आंदोलन किए, नए नए विषय भी सामने लाए जिसको लेकर भी हमको सफलता मिली, कुछ सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके लिए हमारे प्रयास चलते रहे। अभी नीति जी मैं बीच में रुक के एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि ओबीसी की ये जो मांग है पिछले कई वर्षों से जारी है, जैसे कि मंडल आयोग हो, कालेलकर समिति हो या अन्य कई ऐसी समितियाँ आई, लेकिन वो भी अब तक के न्याय नहीं दे पाए, ऐसे में ओबीसी के जो बड़े बड़े जो नेतागण हैं क्या वे एक मंच पर आएंगे? सवाल क्या है कि सब एक मंच पर आए तो सवाल हल होता, ऐसा नहीं है। किसी ने भी दिल खोल के पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी ताकत के साथ में और ईमानदारी के साथ में, और कोई नेता इसके पीछे खड़े हो जाता है, जैसा आपको मालूम है मंडल कमीशन लागू होने के लिए कुछ चंद उत्तर भारत के लोग नेता सामने आए थे जिसके दबाव में वीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। आपको ये भी मालूम है कि बहुत छोटे समुदाय के हैं करुणा निधि साहब, बहुत ही छोटे समुदाय के, उनकी ताकत करीबन वो 24 साल तक सीएम रहे, लेकिन वहां कोई ओबीसी का सवाल नहीं। सर मेरा एक ही सवाल आखिरी का ये है कि यदि आपकी मांग को, ओबीसी की इस मांग को, आरक्षण देने की मांग हो, सरकार हो या अन्य और कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो दरकिनार कर दे, तो आने वाले दिनों में आपकी रणनीति क्या होगी? देखो, समाज जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है, जैसे आज मीटिंग है हमारी, वो संगठन को बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए हमारी मीटिंग है आज। कोरोना का समय में हम लोग पूरे होशियार के साथ में, पूरे मास्क तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग हमने ली है यहाँ पर। ये इसी के लिए ली है कि चुनौतियाँ बढ़ रही है, संकट बढ़ रहा है, आर्थिक संकट बढ़ रहा है, नौकरियों का संकट बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र हमको लगता है कि ओबीसी समाज और ताकतवर बने, संगठित हो, और ये संगठित और ताकतवर समाज ही नेताओं को खास करके अपने जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कराएगा, और उनके जिम्मेदारी का एहसास होगा तो उनका दबाव सरकार पे पड़ेगा, और इतने सालों के साथ में ओबीसी की समस्या, बहुत सारी समस्या जस की तस है, उसको हल करने के लिए ये हमारा संगठन, लोग और नेता भी सामने आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।
कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस तरह से ये जो पूरा संगठन विस्तार जो सभा आयोजन किया गया है, आने वाले दिनों में ओबीसी पूरा एकजुट होकर ये पूरा जो आंदोलन है इसका काफ़ी अच्छा, इसके लिए पूरा संघर्ष करने वाला है। अब देखना ये होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा क्या ओबीसी को न्याय मिलता है या फिर ढाक के तीन पाँच जैसा ही काम होता है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज़ नागपुर।